वही विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल केदारनाथ धाम की आगामी यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है, जिसके तहत यात्रा को सुगम बनाने के लिए जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने यात्रा व्यवस्थाओं से जुड़े सभी अधिकारियों को यात्रा शुरू होने से पहले सभी तैयारियां को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इसी के चलते अधिशासी अभियंता DDAMA विनय झिंकवार ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशन में केदारनाथ यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया गया है और मजदूरों द्वारा रास्ते में आए भारी ग्लेशियरों को काटते हुए मार्ग से बर्फ हटा दी गई है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। 2024 की जो यात्रा व्यवस्था है जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और तथा जो यहाँ पर कार्यदायी संस्थाएं हैं उनसे यात्रा मार्ग को सुदृढ़ एवं सरल बनाने के लिए लगातार प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है। गत माह हुई भारी बर्फबारी के कारण श्री केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग कई स्थानों पर अवरुद्ध हो गया था। रामबाड़ा से श्री केदारनाथ धाम के बीच 5 से 6 स्थानों पर ग्लेशियर आने से व पैदल मार्ग पर 3 से 4 फीट बर्फ गिर जाने से रास्ता अवरुद्ध हो गया था। श्री केदारनाथ धाम मास्टर प्लान व श्री केदारनाथ धाम यात्रा के दृष्टिगत मार्ग को सुचारू किया जाना आवश्यक था, जिस हेतु लोनी गुप्तकाशी द्वारा 100 मजदूरों की टीम को डिप्लॉय किया गया, जिसमें मजदूरों द्वारा ग्लेशियर काटकर लगभग 10 से 12 फीट की हाइट के ग्लेशियर काटकर रास्ता बनाया गया। वर्तमान में रास्ता बनाते हुए टीम श्री केदारनाथ धाम पहुंच चुकी है, वहां पे बर्फ हटाने का कार्य प्रगति पर है और अभी भी श्री केदारनाथ धाम में लगभग 2 से 3 फीट का बर्फ पड़ी हुई है, जिसको हटाने का काम मजदूरों द्वारा किया जा रहा है।